नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आज आपके बीच में फिर से आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और जैसा कि पहले वीडियो में हमें कमेंट मिला, फीडबैक मिला, बहुत अच्छा लोगों को लगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लोगों ने ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो आज उसी तरीके से हम एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रिक्स बताने से पहले हम इसके बेसिक्स पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बेसिक्स हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बेसिक के साथ साथ हम मज़े करेंगे ट्रिक्स में, तो बहुत अच्छा लगे। क्योंकि बेसिक अगर हमारा मजबूत हो जाता है तो भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अगर हम आगे जाते हैं कुछ हम भूल रहे होते हैं, बेसिक मेरा क्लियर होता है, ट्रिक्स नहीं याद आ रहा होता, हम फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बेसिक हमारा वीक हो जाता है, अगर किसी मकान की नींव ख़राब हो जाती है, ऊपर हम सुंदर बना देते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो हमें नींव को मजबूत रखना है, हमें बेसिक मजबूत रखना है, उसके बेस पर हम साथ साथ ट्रिक्स को भी इंजॉय करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली में रहकर इंजॉय कर रहे होंगे, और इसी आशा के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि इस वीडियो को स्किप करने के बजाय कंटिन्यूएशन में देखें, क्योंकि इसमें फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट है उसकी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर बीच में हम कोई चीज़ स्किप कर देते हैं तो आगे की चीज़ हमें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, हो सकता है कोई ट्रिक्स बीच से मिस हो जा रही हो, ठीक है। तो इसलिए इसको कंटिन्यूएशन में देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जब भी आपके पास टाइम हो आप तब देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपसे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो मिस ना हो। तो आइए हम ये नहीं कहेंगे पढ़ाई करते हैं या शुरुआत करते हैं, हम कहते हैं आइए हम इंजॉय करते हैं, किसको? ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखिए इसमें तीन तरीके के पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ट्रिगोनमेट्री, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी त्रिकोणमिति, ठीक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्री मतलब तीन, गोन मीन्स भुजा और ज्यामिति, ठीक, तीन भुजाओं वाली ज्यामिति। इसी तरीके से यहाँ पर भी तीन कोणों वाली ज्यामिति, वहाँ भुजाओं की बात करी, कोणों की बात करी, दोनों ही बातों में चाहे तीन भुजाओं की बात करें चाहे तीन कोणों की बात करें, वहाँ पर त्रिभुज आता है। तो ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं या तीन कोणों से बनी होती है वो हमारी त्रिभुज कहलाती है या ट्राइंगल कहलाती है। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हमको गिवन हो हम उसका एंगल निकाल सकें सिर्फ भुजाओं के आधार पर? बिल्कुल निकाल सकते हैं अगर हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करना सीख गए तो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक एंगल मेरा फिक्स हो, उसकी वैल्यू हमें मालूम हो, जैसे कि 90 डिग्री, ठीक है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम ले लेते हैं तो उसमें एक एंगल की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है जो कि 90 डिग्री होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, एक ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हमने रख दिया एबीसी, ठीक है, जहाँ पर ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ठीक, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, और ये जो है हमारा BC, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मींस हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा बेस है, हम बेस की पहचान क्या होती है मेरे पास, हम इसको बेस कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं कह सकते? अब यहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, मीन्स हम जिस एंगल की जांच पड़ताल करने आए हैं उस एंगल की हम बात करते हैं। मीन्स जैसे आपने एक मूवी में अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो इसी तरीके से ये एंगल, हम यहां पर खड़े हैं, यहां मेरी आंखें देख रही हैं, ठीक है, जहां हम खड़े हो गए वही बेस होता है, लाइन जहाँ वहाँ से शुरू होती है मतलब वही बेस होता है, तो हम इसको बेस लेंगे। अगर हम इस एंगल की खोज में गए हैं तो मीन्स हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ मेरी आंखें लगी, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस एंगल की खोज में गए हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं वही हमारा बेस होता है, और अगर हम यहाँ पर खड़े हो गए तो
तो हम इसको बेस मान लेंगे और इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, ठीक है। लेकिन हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, मींस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, जिसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा बेस है, और अगर हम इस एंगल की जांच पड़ताल करने के लिए जाते हैं तो ये हमारा बेस बन जाता है और ये हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा कर्ण एज इट इज रहेगा, इसमें किसी प्रकार के कोई चेंज नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो ये तीन भुजाएं हैं इसमें कितने तरीके के पॉसिबल रेशियो बनाए जा सकते हैं, मीन्स तीन भुजाओं को अगर हम दो दो भुजाओं को ले लें तो कितने तरीके के हम पॉसिबल रेशियो बना सकते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो पॉसिबल रेशियो लिख लेते हैं कि कौन कौन से हम लिख सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। सेकंड हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। फोर्थ हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और सिक्स्थ हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सिक्स टाइप्स के हमारे पॉसिबल रेशियो होंगे जो हम ट्रायंगल पर बना सकते हैं, इसके अलावा कोई सातवां नहीं है, ठीक है। अब जो ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, इसको हम नाम देते हैं साइन, ठीक। इस बेस को हम नाम देते हैं कॉस, इस बेस को हम नाम देते हैं टेन, इस रेशियो को नाम देते हैं कॉट, इस रेशियो को नाम देंगे सेक, एंड इस रेशियो को लास्ट को नाम देंगे कॉस, ठीक है। ये इन रेशियो के नाम है, जैसे दूसरे साइन कॉस टेन ये सब है क्या, ये इन रेशियो के नाम रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन हमको इस एंगल की पड़ताल करनी है जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चलन सार में थीटा हम लेते हैं। तो आइए इसी से बात करते हैं कि हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, तो इस एंगल को हम निकालने के लिए इसके इक्वल रखते हैं, हर जगह हमने थीटा लगाया। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देख रहे हैं कि ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एक दूसरे का इंटरचेंज है, ठीक है। यहाँ पर जैसे टेन में आपने देखा पी अपॉन बी है तो ये बी अपॉन पी है, कॉस में आपने देखा कि बी अपॉन एच है तो वो एच अपॉन बी है, और ये इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इजिली आपको पता चल गया है कि जो जिसका अपोजिट होता है तो उसी के रिवर्स में हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं, मींस हम इसके साथ ही साथ हमने देखा कि टेन कॉट का अपोजिट होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, ठीक। या आप टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते, बात एक ही, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। इसी तरीके से कॉस थीटा सेक थीटा का जस्ट अपोजिट है, आप लिख सकते हैं सेक थीटा की वैल्यू वन अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, अपोजिट है लिख देंगे। इसी तरीके से ये इसका जस्ट अपोजिट है, कॉसेक थीटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं।
अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो क्लियर होगा, बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा लिख रहे हैं, मींस क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं, cos sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा है तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos sec थीटा लिख सकते हैं। अब आपको इसमें फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम आज बेसिक की बात कर रहे हैं, रटने की जरूरत। ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको क्लियर हो गया, इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आपके दिमाग से फार्मूले बनना शुरू हो जाएंगे, आपको रटने के बजाय आप उसको क्रिएट करने लगेंगे, ठीक है, खुद फार्मूला बनाते रहेंगे, खुद बनते ही जाएंगे, आप कोई बुक से अलग अलग लिस्ट बना करके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आइए बताते हैं कैसे, जैसे आपने ये देख लिया, इसमें आप कुछ रटने की जरूरत नहीं, आपको पता चल चुका है। अब इसमें इसी में पूरा का पूरा एक ही डायग्राम और एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस, ठीक है, हम इसको जो ये डिज़ाइन बनाई, कलाकारी करी है, इसको थोड़ा सा हम रफ कर देंगे, ठीक, क्योंकि जो कलाकारी करी थी उसका रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ से पता चल जाएगा। आप ये देख रहे हैं अभी तक हमने क्या किया, रेशियो किसका निकाला, भुजाओं का, ठीक है, भुजाओं को हम रेशियो निकाल कर रख रहे थे। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन और कॉस का रेशियो निकालें, बहुत ध्यान समझिएगा, ये साइन है और ये कॉस है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दें, मीन साइन को हम कॉस से डिवाइड करें तो ये एच और एच जो दोनों डिनोमिनेटर में है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एच और एच दोनों डिनोमिनेटर में है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी की वैल्यू क्या है, टेन थीटा, मीन्स यहाँ से आपका एक और निकल कर आ जाएगा कि टेन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको एक और वैल्यू याद रखनी, कैसे, आपने क्या किया, साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, साइन को कॉस से, ठीक, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस दोनों डिनोमिनेटर में थे कैंसिल हो गए, बचा क्या, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसकी वैल्यू होती, टेन थीटा की, ठीक है, तो टेन थीटा आपको पता चल चुका है साइन अपॉन कॉस होता है। अब आपको ये भी पता है कि जो टेन होता है वो कॉट का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, तो अगर ये साइन अपॉन कॉस है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अपॉन साइन। आगे बढ़ते हैं, अब एक एंगल आपका फिक्स है 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री फिक्स है, और ये आपने देखा कि बेस पर आपने थीटा लिया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, जो मेरा ए पर है ये एंगल कौन सा हो जाएगा, नाइन्टी माइनस थीटा, अगर ये हम 90 देख रहे हैं, इसको हमने थीटा एज्यूम किया है, तो ये एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब अगर हम कहें कि हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, मींस 90 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए, अब आप ध्यान समझिएगा, 90 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो बेस मेरा ये हो जाएगा, पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, जो मेरा परपेंडिकुलर था ये बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनस अपनी जगह पर रहेगा, हाइपोटेनस की कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, वो हाइपोटेनस होता है, जो कि चेंज नहीं होगा। अब हम किस एंगल की बात करने जा रहे हैं, तो अब हमारा बेस ए बी हो जाएगा, ठीक है, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी, तो ये वाला फार्मूला हम अलग लिख दे रहे हैं, जिससे हम 90 माइनस थीटा को इसी के सामने कंपेयर करते हुए लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला उठाकर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख, ठीक, और बाकी आप समझ जाइएगा कि tan cot का अपोजिट होता है, तो cot थीटा की वैल्यू cos अपॉन साइन इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब ये जो वैल्यूज रखी हुई है किसी के सामने, जैसे ये P लिया था, P का मतलब है AB, AB अपॉन AC, ये लिख दें जिससे हमें 90 माइनस थीटा को कंपेयर करने में आसानी हो और आप इसको इजीली समझ सकें। B अपॉन H, B क्या है, CB अपॉन H मींस AC, P अपॉन B मींस AB अपॉन CB, CB अपॉन AB,
एसी अपॉन सीबी और लास्ट में आपका है एसी अपॉन एबी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा आपने यहाँ से बेस से निकाला था कि आपका बेस था, लेकिन अब हम जा रहे हैं एंगल ए पर। एंगल ए क्या हो गया, एंगल बी 90 डिग्री था, एंगल सी थीटा है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा ये बेस हो गया, मीन्स ए भी हमारा बेस बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, ए भी हमारा बेस बन जाएगा और बी सी क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनस अपनी जगह पर। ठीक है, तो अब हम जब साइन पर आएंगे, आपको पता चल चुका था साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पर जब आप साइन 90 माइनस थीटा लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। ध्यान समझिएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, मींस सी बी अपॉन ए सी होगा। अब यहाँ पर देखिए सी बी अपॉन ए सी कहाँ पर है, सी बी अपॉन ए सी यहाँ पर है। ठीक, मींस यहाँ पर आप रखेंगे साइन 90 माइनस, क्लियर हो गया, अलग से फार्मूला रखने की जरूरत नहीं। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर ये सी बी है, बी पर पी एच पर ध्यान मत दीजिए, अब सिंपल इस पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो चुके हैं, इसलिए बी और पी पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर देंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आप सी बी देखिए, बी ए देखिए, ए सी देखिए। साइन थीटा आपको क्या हुआ, साइन मीन्स 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स सी बी अपॉन ए सी। तो ये देखिए सी बी अपॉन ए सी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा था, मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा होती है। इसी तरीके से कॉस पर आते हैं, कॉस पर आपको मालूम हो चुका है क्या, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से जब 90 माइनस थीटा लेंगे तो बेस हमारा ये है ए बी, हाइपोटेनस हमारा ए सी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टेन पर। टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्या था हमारा पहले, ए बी और बी सी था, अब ये इंटरचेंज हो चुके हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए सी बी अपॉन ए बी, तो ये हमारा क्या बन गया, टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस हमारा क्या है ए बी, परपेंडिकुलर हमारा क्या है सी बी, तो ए बी अपॉन सी बी कहाँ पर है, यहाँ पर, मीन्स ये कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सेक थीटा। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमारा ये है ए सी और बेस हमारा क्या है ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी कहाँ पर है ये, तो ये हमारा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बचा क्या, कॉस है 90 माइनस थीटा, मीन्स देखिए यहाँ से हमने देखा तो हमारा थीटा के अकॉर्डिंग ये निकल आया। अब आप इसको रफ करके देख सकते हैं, ये आप रफ करके देख सकते हैं, इससे आपकी कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, क्योंकि पी और बी में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए अब आप यहाँ से इसको रफ करके देख सकते हैं पूरी तरीके से, पी बी और एच हटा दी। ठीक है, ये देखिए साइन थीटा आपका क्या था, ए बी अपॉन ए सी, ये थीटा आप ले रहे थे तो ये आपका बेस था। ठीक, अब देखिए जब ये आप एंगल ले रहे हैं तो आपका ये बेस बन जाएगा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया भाई, साइन थीटा आपका हो गया लंब बटे लंब, हटा दीजिए ए बी अपॉन ए सी। ठीक, कॉस थीटा आपका क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा पर आया तो ये हमारा बेस बन गया और ये हमारा कर्ण ऑटोमेटिक है, तो ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो हमने इसके सामने रख दिया, तो हमको पता चल गया कि साइन और कॉस आपस में इन दोनों का कन्वर्जन होता है 90 माइनस थीटा में, टेन और कॉट का आपस में कन्वर्जन होता है
90 माइनस थीटा में sec और cosec का आपस में कन्वर्जन होता है 90 माइनस थीटा में। इन फार्मूलों की हेल्प से ये निकालना सीख गए, इसी की हेल्प से ये निकालना सीख गए, ये सब तो इजीली याद हो गया, लेकिन जब बेसिक ही अगर हम भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस बेसिक को याद करने की ट्रिक क्या है, कोई जुगाड़ है कि हम इसको आसानी से याद रख सकें, और फिर तो आगे ये काम चल ही जाएगा, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो गाड़ी मेरी पहुंच जाएगी। लेकिन इंजन स्टार्ट करना ही अगर हम भूल गए तो उसके लिए हम क्या करें, कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, कुछ जुगाड़ होना चाहिए। हम जुगाड़ी देश में रहते हैं, हाँ जी, मेरा देश एक जुगाड़ी देश है, यहाँ हर तरह का सलूशन निकल आता है। तो हम जुगाड़ की बात हिंदुस्तान में रहकर ना करें तो बेकार है। हमारा हिंदुस्तान बहुत खुशहाल देश है और हम सभी लोग इस खुशहाल देश के वासी हैं, तो हरा भरा हमारा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान हरा भरा, और विदेशियों को हम पागल भगोड़ा कह सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा शत्रु हमारा देश, हम उसका एग्जाम्पल लेंगे पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान भगोड़ा भी है पागल भी है और हिंदुस्तान हमारा हरा भरा है। तो आइए इस बात को लिख कर चर्चा कर लेते हैं। P for पाकिस्तान, B for भगोड़ा, P for पागल, H for हिंदुस्तान, H for हरा, B for भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भगोड़ा पागल। अब वो सीरियल आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने रेशियो की बात करी थी उसका सीरियल आपको पता है, उस सीरियल को आप ध्यान में रखकर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे क्लियर हो गई, मतलब पाकिस्तान भगोड़ा पागल था और हिंदुस्तान हरा भरा था, जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बाकी आपको पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ से उल्टा शुरू हो जाएगा, यहाँ कॉट लिख दीजिए, यहाँ सेक लिख दीजिए, तो यहाँ कॉसेक लिख दीजिए। तो कॉट हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक आपका हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक आपका हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कैसा लगा ये जुगाड़? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने चहेतों को अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का मिस ना होने पाए, किसी का ये फंडा मिस ना हो पाए, तो उन्हें भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो इंस्टा का लिंक पड़ा हुआ है उसको क्लिक करके सीधे वहीं पर आ जाइए, और हम और आप बिल्कुल चैट करते रहेंगे, सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी समझ सकते हैं, किस माध्यम से, कुछ अगर कच्चा रह गया हो तो उसे पक्का कर देंगे, हिंदी में भी हम उसको पक्का कर देंगे। जरा सा भी दिमाग में अगर कच्चा रह गया तो हिंदी वालों को ये तभी होगा पक्का जब हम जानेंगे कि क्या होता है लाल बटे कक्का। ल आ ल बटे क आ, लम आधार लम, कर कर आधार। ठीक, वही चीज आ गई, साइन कॉस टेन, लम बटे कर्ण कॉस, आधार बटे कर्ण टेन, लम बटे आधार। अब इसी का जस्ट अपोजिट कॉट से कॉस, आधार बटे लम, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लम। ये चीज क्लियर हो गई, बेसिक आपका क्लियर हो चुका है, आप इसको देखते ही अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम वैल्यूज़ निकालना बताएंगे कि एंगल की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, उसकी टेबल को कैसे दिमाग में हम रखें, उसकी ट्रिक हम लेकर आएंगे कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप चारों क्वाड्रेंट का फार्मूला अपनी मुट्ठी में एक ट्रिक्स के माध्यम से कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। जी हाँ, बेसिक की बात आज हो चुकी है, अब केवल ट्रिक्स का खेल बाकी है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।